हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विनोफिट गोल्ड कैप्सूल के बारे में। ये जो विनोफिट गोल्ड कैप्सूल हैं, ये किन कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, इन कैप्सूल के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसको कैसे लेना है, इसकी सही डोज के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो वेनोफिट गोल्ड कैप्सूल्स हैं, इसको डॉक्टर रेडिस कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो आपको एक डिब्बी में दो स्ट्रिप्स मिल जाएंगे, जिसमें जो 15-15 कैप्सूल रहते हैं। और इसके जो दोनों स्ट्रिप्स के प्राइस की बात करें तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 269 रुपीस में मिल जाएगी। आपने जब भी कोई मेडिसिन लेनी है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है। कंटेंट्स की बात करें तो इसमें अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स विद ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड बीट ग्राम ऑयल पाया गया है। इन कैप्सूल के यूजेस की बात करें तो इसमें जो कंटेंट पाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसके यूजेस जो जानेंगे। फर्स्ट, इसमें जो अमीनो एसिड है, ये हमारी बॉडी में सेल्स और टिश्यूज की रीजनरेशन करने में सपोर्ट करता है। ओवरऑल हेल्थ को वेलबीइंग बनाते हैं। ये जो अमीनो एसिड है, मसल्स की ग्रोथ, रिपेयर और रिकवरी में जो सपोर्ट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्किन, नेल्स, हेयर को हेल्थी बनाने में हेल्प करते हैं और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। और सेकंड, इसमें जो विटामिन हैं, जी आई डिसऑर्डर, स्किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, अनीमिया, किडनी और लीवर डिसऑर्डर जैसे सिम्टम्स हैं उनसे रिलीफ दिलाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को हमेशा इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और जो एजिंग प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन और इंटरनल ब्लीडिंग के रिस्क को भी काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। और थर्ड, इसमें जो मिनरल्स हैं, ये एक केमिकल होता है जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड होता है। ये जो मिनरल्स हैं, ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और मसल फंक्शन को भी बढ़िया बनाते हैं और ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं। और फोर्थ, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये एक सब्सटेंस होता है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जैसे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे ये बचाता है। ये हमारी एजिंग साइंस से फाइट करते हैं। अगर हमारी बॉडी पर या फेस पर एक्ने हो रही हैं तो उनको जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो काफ़ी कम कर देते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करते हैं और सनबर्न से भी बचाते हैं। और इसमें जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पाया गया है, ये हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है, ब्लड प्रेशर और शुगर के लेवल को लो रखने में हेल्प करता है, सेल्स में फैट की अब्जॉर्प्शन को इनहेबिट मीनिंग रोक देता है जिससे ब्लड में फैट का लेवल है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, ब्रेन की गुड हेल्थ को प्रमोट और लीवर फंक्शन को नॉर्मल मेंटेन रखने में भी ये जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है काफ़ी हेल्पफुल माना गया है। और लास्ट में, इसमें जो वीट ग्राम ऑयल पाया गया है, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है वुमेंस और मेल्स में और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और ये जो वीट ग्राम ऑयल है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी रखते हैं जिससे जो अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह की स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसको ये रिड्यूस कर देता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काफ़ी लो रखता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज रखता है और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज भी रखता है। अगर आपके किसी तरह का जख्म होता है तो उसको ये काफ़ी जल्दी जो ठीक कर देता है। ओवरऑल दोस्तों, ये जो विनोफिट गोल्ड कैप्सूल्स हैं, ये हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। अगर आपको वीकनेस और टायर्डनेस हमेशा फील रहती है, में एनर्जी नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में ये जो विनोफिट गोल्ड कैप्सूल है काफ़ी हेल्पफुल है। आप में किसी भी तरह की कमजोरी है, आप डॉक्टर की एडवाइस से इनको ले सकती हैं। और मेल्स में इनफर्टिलिटी और फीमेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, इन कैप्सूल की क्या डोज है। फर्स्टली तो आपने इन जो कैप्सूल का यूज़ डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है, बिकॉज डॉक्टर आपकी कंडीशन, आप में किस चीज़ की कमी है, विटामिन की कमी है या फिर मिनरल्स की किसी भी तरह की, तो उस कंडीशन में आपको ये कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर। इसकी जो नॉर्मल डोज रहती है वो 1 कैप्सूल डेली रहती है। आपको खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल लेना होता है। और इसका जो यूज़ है वो बच्चों में नहीं किया जाता, ओनली एडल्ट्स में ही किया जाता है। जिनको किडनी और लीवर की किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वो पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, फिर इन कैप्सूल का यूज़ करें। और जो प्रेग्नेंट और जो लैक्टेशन मदर है वो इन कैप्सूल का खुद से ना यूज़ करें। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे इन कैप्सूल से कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलता, बट कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन मीनिंग कब्ज, डायरिया मीनिंग दस्त,
या फिर अपसेट स्टमक, पेट में गड़बड़ी जैसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी तरह का साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आप इन कैप्सूल को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो लास्ट में यही के दोस्तों, ये जो बेनिफिट गोल्ड कैप्सूल हैं, ये हमारी फुल बॉडी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं, हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को काफ़ी हद तक ये बेहतर बना देते हैं। अगर आप में किसी भी तरह की कमजोरी, आपको थकावट रहती है, आपका काम करने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से इन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी बेनिफिट गोल्ड कैप्सूल के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।